अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों ने फिर देश की राजनीति को गर्मा दिया है। बीजेपी बुरी तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बौखलाई हुई है और मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले उनके बयान को लेकर खूब कटाक्ष कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी तक ने राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने के उनके बयान पर उनको जमकर धोया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को भाजपा से जोड़ती थी और राहुल अब कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो गया है कि क्या है मुस्लिम लीग का इतिहास, जिस मुस्लिम लीग का नाम लेकर राहुल गांधी सुर्खियों में छा गए हैं, सत्ता दल के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। आखिर इस मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने पर इतनी बुरी तरह से क्यों लताड़े जा रहे हैं राहुल गांधी? ऐसा कैसा रहा है मुस्लिम लीग का इतिहास, आज ये हम आपको बताएंगे। क्या है मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। तब बंटवारे से पहले के भारत के कई मुस्लिम नेता ढाका में इकट्ठे हुए थे और कांग्रेस से अलग मुस्लिमों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का फैसला लिया था। साल 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल्लामा इकबाल ने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के मकसद से दक्षिण एशिया के वंचित मुसलमानों के लिए एक अलग देश का विचार प्रस्तुत किया था। 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया था। इस दौरान जिन्ना ने एक स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया था। 7 साल बाद यानी कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान दिखाई दिया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई। अब सवाल ये कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई, तो फिर भारत में कौन सी मुस्लिम लीग की बात हो रही है? आखिर विदेश में जाकर राहुल गांधी कौन सी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं? भारत की कौन सी मुस्लिम लीग को राहुल ने बताया धर्मनिरपेक्ष? 1947 में भारत की आजादी के बाद मार्च 1948 में मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1952 में इस दल के नेता भारतीय चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केरल में अच्छा खासा प्रभाव है। ये पार्टी राज्य के विपक्षी गठबंधन यूडीएफ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का भी एक हिस्सा है। लीग के नेता ई अहमद को पहली बार साल 2004 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का पद मिला था। पार्टी के वर्तमान में 4 सांसद हैं, पीके कुन्हाली कुट्टी, ईटी मोहम्मद बशीर, के नबी कनी निचले सदन लोकसभा में और पीवी अब्दुल वहाब उच्च सदन राज्यसभा में। विधानसभा की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में आईयूएमएल के कुल 19 सदस्य हैं। ऐसे में सवाल ये कि IUML अगर भारत में बनी तो फिर इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग से क्या कोई नाता है? क्या भारत के तथा कथित धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम लीग की जड़ें जिन्ना के मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई है? IUML का पाकिस्तान मुस्लिम लीग से क्या है नाता? साल 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग का वो धड़ा जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था पाकिस्तान चला गया। इसी मुस्लिम लीग के कुछ नेता ऐसे भी थे जो पाकिस्तान नहीं गए थे। ये लोग खास तौर पर वो थे जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने का निर्णय करने वाले पार्टी नेताओं को अपने भविष्य का फैसला खुद करने को कहा था। इसके बाद दक्षिण के मुस्लिम नेताओं ने चेन्नई में बैठक बुलाई जहां IUML की नींव पड़ी। केरल की मुस्लिम लीग और 1906 में बनी मुस्लिम लीग में क्या है अंतर? केरल की मुस्लिम लीग ने अपनी वेबसाइट में राजनीतिक विचारधारा के बारे में बताया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी मुस्लिम समुदाय और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती है। IUML ने यह भी दावा किया है, भारत के संविधान को बरकरार रखते हुए लीग ये सुनिश्चित करती है कि मुसलमानों की जिंदगी में शांति, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करने के लिए अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दे। लीग मुस्लिम पर्सनल लॉ की पक्षधर है। लीग का कहना है कि पर्सनल लॉ मुस्लिम समुदाय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो मुख्य रूप से समुदाय के विकास के लिए आवश्यक है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिद्धांत ऐसे हैं कि वो अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नीतिकार के सिद्धांतों में विश्वास करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहती है, लोगों में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें इस्लाम द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो यह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और भारत की
भारतीय यूनाइटेड मुस्लिम लीग, जिसे राहुल गांधी अमेरिकी धरती से धर्मनिरपेक्ष बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम लीग पर क्या बोले थे राहुल गांधी? 6 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। इसी बीच में एक पत्रकार ने उनसे केरल में मुस्लिम लीग से कांग्रेस के गठबंधन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और उसमें गैर धर्मनिरपेक्ष जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे बीजेपी ने तो राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें तबीयत से घेर लिया है। वैसे मुस्लिम लीग का इतिहास जानने के बाद आपका मुस्लिम लीग के बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।